ये 2000 LPH का आर ओ है। अच्छा, ये फुल्ली स्टेनलेस स्टील में आर ओ है, पूरा स्टेनलेस स्टील में A to Z। हाँ जी, हाँ जी, हर एक इसका वेसल, फिल्टर हाउसिंग, पाइपलाइन, मेम्ब्रेन हाउसिंग, एवरीथिंग सब कुछ स्टेनलेस स्टील में है। अच्छा, और जिससे कि पानी आप डिस्पेंस करके, इसमें कार्ड क्वाइन, कार्ड और क्वाइन ऑप्शन दोनों है। अच्छा, जैसे कार्ड टप करके और आप अपना पानी ले सकते हो। पानी का हम सेटिंग कर सकते हैं कि 1 लीटर पानी 5 लीटर लेना है या 20 लीटर लेना है। अच्छा, वो सारा इसमें सेटिंग हो जाता है। ये 1000 LPH आर ओ है, FRP में आर ओ है। अच्छा, और इसमें एक खास बात है कि इसके मल्टीपोर्ट वॉल है वो फुली ऑटोमेटिक है। ये फुली ऑटोमेटिक? हाँ जी, फुली ऑटोमेटिक है। इसमें बैकवॉश करने के लिए, जैसे ये फिल्टर्स में गंदगी भर जाती है तो उनको बैकवॉश मैनुअली करना पड़ता है जनरली, तो इसमें ये सब कुछ ऑटोमेटिक होता है। हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल दोस्तों, मैं हूँ आपका होस्ट एंड दोस्त शुभम, आप देख रहे हैं इंजीनियर ऑन रोड। तो स्वागत है वाप्टेमा वाटर एक्सपो के इस नए सीरीज में, और यहाँ पर एक ऐसे कंपनी के स्टॉल पर आ गए हैं जो वाटर प्योरिफिकेशन से रिलेटेड जो भी इंस्ट्रूमेंट है, इक्विपमेंट है, हर एक चीज़ यहाँ पर बनाते हैं। सो हेलो सर, कैसे हो? और क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम विपिन शर्मा है। अच्छा, और कंपनी का क्या नाम है सर? कंपनी का नाम सिलेक्स इंडस्ट्री है, और हम लोग दिल्ली बेस्ड हैं। दिल्ली में द्वारका में हमारा सेटअप है सारा, जहाँ पे हम लोग इसका पूरा मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। अच्छा, और पूरा ट्रेडिंग का काम भी हमसे। अच्छा, तो क्या क्या आप सर मैन्युफैक्चर करते हो? हम लोग आरओ प्लांट, मिक्स बेड प्लांट, सॉफ्टनिंग प्लांट, वाटर ट्रीटमेंट रिलेटेड जो भी कंपोनेंट प्लांट बनते हैं वो लोग हम लोग बनाते हैं। जो भी इक्विपमेंट यूज हो गया ऑल टू ऑल आप बनाते हैं? हाँ, यस यस। अच्छा, तो सर यहाँ पर काफ़ी सारे, आपने ये देख रहे हो यहाँ पर स्टॉल पे, यहाँ पर जो वाटर एक्सपो में सबसे ज़्यादा अगर आप इक्विपमेंट दिखेंगे तो आपके ही स्टॉल पर है। जी जी, तो सर देखते हैं एक बार आप प्रोडक्ट दिखा दीजिए सर। हाँ, प्रोडक्ट जैसे ये तो सारे कंपोनेंट है जो इसमें वाटर ट्रीटमेंट में यूज़ होते हैं। हाँ, अलग अलग, जैसे ये मल्टीपोर्ट वॉल्स हैं, ऑटोमेटिक मल्टीपोर्ट वॉल है। हाँ जी, इसी तरीके से ये अलग अलग पैनल्स होते हैं। अच्छा, जो इसमें यूज होते हैं। ये सब सर आपकी खुद की मैन्युफैक्चरिंग है? हाँ, इसमें कुछ चीज़ों के हम लोग ऑथराइज डीलर हैं दिल्ली के, और कुछ चीज़ों की मैन्युफैक्चरिंग। अच्छा, जैसे अलग अलग है, जैसे ये पैनल्स हैं, ये डोजिंग पंप है। अच्छा, के ये आपका प्रेशर गेजेस हैं। ये अलग तरह का आपका डोजिंग पंप है सर, इसके बारे में बताइए। हाँ, ये एनाडोज इनिशिएटिव कंपनी के डोजिंग पंप हैं। अच्छा, ठीक है, इसमें दो मॉडल आते हैं, एक एनालॉग मैनुअल मॉडल है और एक इसका ऑटोमेटिक ये डिजिटल डिस्प्ले वाला मॉडल है। अच्छा, तो ये अलग अलग दो मॉडल। अच्छा, एनालॉग एंड डिजिटल आ गए। हाँ जी, हाँ, एनालॉग और डिजिटल। इसके आप डिस्ट्रीब्यूटर हो? हाँ जी। अच्छा, ये सर इसके बारे में बताइए। ये अल्कलाइन मीडिया है, जो आरओ प्लांट लगते हैं उसके बाद जो पानी में हल्का पीएच कम हो जाता है उसको मेंटेन करने के लिए। अच्छा, जो भी अगर मिनरल्स जो भी कम हो गए, मिनरल जो कम हो गए हैं उसको मेंटेन करने के लिए ये एड ऑन होता है। और ये ट्रांसपेरेंट के अंदर है? हाँ, ट्रांसपेरेंट के अंदर, इसलिए डिस्प्ले के लिए दिखाने के लिए कि इसमें कौन कौन सा लेयर है और क्या क्या डलता है। हाँ, उसके लिए है। तो लोगों को एक कॉन्फिडेंस आता है कि भैया हम, चलो इतना इस छंट के आ रहा है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। उसके बाद हमारे इसमें जो भी कंपोनेंट लगते हैं, जैसे ये वेसल्स हैं, हम लोग वेसल्स इंपोर्ट करते हैं, सीफ्लो ब्रांड है हमारा वेसल्स का। अच्छा, ये सारे साइजेस में हमारे पास वेसल अवेलेबल होते हैं। इस तरीके से ये जैसे इसमें जो आप वेसल इंपोर्ट करते हैं सर? हाँ जी। अच्छा, तो ये क्या क्या साइजेस किस तरह का होता है सर? ये हमारे पास 844 से लेकर के 4272 तक सारे साइजेस अवेलेबल होते हैं। अच्छा, तो क्या इसकी लाइफ या इस तरह का कुछ? लाइफ तो यूजर्स के ऊपर डिपेंड करती है। अच्छा, वैसे जनरली 6 से 7 साल की लाइफ होती है। इसमें हमारे पास स्टेनलेस स्टील में भी आते हैं। अच्छा, जो ये स्टेनलेस स्टील में है, ये FRP में होता है। अच्छा, फाइबर ग्लास में। अच्छा, तो लाइफ क्या फर्क पड़ता है सर इसमें? SS की ऑब्वियस बात है, लाइफ थोड़ा ज़्यादा होती है, और जहाँ पे SS की रिक्वायरमेंट होती है, जहाँ फूड इंडस्ट्री में है, वहाँ पे SS जाता है। अदरवाइज बाकी सब जगह जहाँ पे नॉर्मल प्योरिफिकेशन चलता है तो FRP चलता है। मतलब ये है कि कोई ऐसा पार्टिकुलर एरिया है जहाँ पर SS की जाता हो? ये फार्मा इंडस्ट्री में SS जाता है, जहाँ पे कंपलसरी है कि वो उनको SS का ही सारा कुछ चीज होता है, तो वहाँ पे SS जाता है। और जनरली जो रेगुलर प्योरिफिकेशन में यूज होते हैं वहाँ पे FRP जाता है। तो कितने PSI तक ये 150 PSI तक टेस्टेड रहता है इसका प्रेशर? अच्छा, और ये आप कॉमर्शियली आप ये सारे पैनल्स हैं? ये सारे पैनल्स हैं जो इसमें RO प्लांट्स में यूज होते हैं। हाँ जी, ये अलग अलग उसमें मॉडल्स हैं इसमें। अच्छा, तो आप ये कॉमर्शियली इंस्टॉल भी करते हो क्या? हाँ जी, इंस्टॉलेशन भी होती है। अच्छा,
वैसे बेसिकली हम लोग बी टू बी करते हैं। अच्छा, बी टू बी में ही हैं हम लोग, हमारे जो आगे डीलर्स हैं या जो हमारे से लेकर के आगे सेल करते हैं उन्हीं के लिए हम लोग डील करते हैं। मतलब आपका खास का काम है कि बी टू बी का है ना, इंस्टॉलेशन का काम उनका हो गया। हाँ, वो आप जाके कंज्यूमर के पास इंस्टॉल करें। हाँ जी सर, ये 250 LPH का RO प्लांट है। अच्छा, ठीक है, जिसमें बेसिक सैंड फिल्टर और कार्बन फिल्टर का कॉमन एक स्टेज दिया हुआ है, और RO माइक्रोन फिल्टर है, हाई प्रेशर पंप है और मेम्ब्रेन है। बाकी इसको डिस्प्ले के लिए प्रेशर गेजेस हैं कि कहाँ कहाँ कितना कितना प्रेशर है, और ये फ्लो बताने के लिए कि कितना प्योर पानी मिल रहा है, कितना रिजेक्ट पानी जा रहा है, ये उसके लिए। और ये पैनल है इसको ऑपरेट करने के लिए। अच्छा, हाँ, तो ये पूरा पैनल पे शो करेंगे? हाँ, पैनल पे उसमें शो करता है कितना वोल्टेज आ रहा है, कितना है, क्या चीज़ चल रहा है, क्या चीज़ नहीं चल रहा, कोई दिक्कत आता है तो यहाँ पे वो चीज़ ब्लिंक करता है और इस पे नोटिस लिखा हुआ आता है। अच्छा, जैसे ये जो लगा हुआ है कितने पावर की? ये 1.5 HP का पंप है। अच्छा, जिसमें लगा हुआ है 1.5 HP का पंप है, और वो हाफ HP का फीड पंप होता है इसमें। अच्छा, ये वाटर ATM है। अच्छा, ये एक प्रोटोटाइप है। हाँ, प्रोटोटाइप वाटर ATM है। इसमें साइजेस अवेलेबल हैं अलग अलग, और जिससे कि पानी आप डिस्पेंस करके, इसमें कार्ड और कॉइन ऑप्शन दोनों है। जैसे कार्ड टप करके और आप अपना पानी ले सकते हो, पानी का हम सेटिंग कर सकते हैं कि 1 लीटर पानी 5 लीटर लेना है या 20 लीटर लेना है। अच्छा, वो सारा इसमें सेटिंग हो जाता है। अच्छा, और कॉइन का भी सेटिंग हो जाता है कि 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये के कॉइन के हिसाब से कितना कितना पानी इसमें निकाल सकते हैं। अच्छा, तो वो सारी सेटिंग होती है। ये कमर्शियल यूज़ के लिए जो आप लगा सकते हैं। ये मिक्स बेड प्लांट है, ये RO प्लांट के बाद में लगता है। अच्छा, बेसिकली पानी को जीरो TDS करने के लिए, डीमिनरलाइज करने के लिए। अच्छा, जैसे कोई बैटरी वाटर बनाता है या फार्मा में यूज होता है या कहीं लैब वगैरह में पानी यूज होता है या जहाँ पे कम TDS मतलब जीरो TDS चाहिए होता है। अच्छा, तो उसके लिए ये यूज होता है। अच्छा, और ये RO प्लांट के बाद लगता है। मतलब जीरो TDS तो इंडस्ट्री यूज के लिए ही होगा। हाँ, हाँ, पीने के लिए तो यूज़ नहीं, पीने कर के लिए सकते। अच्छा, तो ये इंडस्ट्री में यूज? हाँ, ये इंडस्ट्री में यूज। ये 2000 LPH का RO है। अच्छा, ये फुली स्टेनलेस स्टील में RO है, पूरा स्टेनलेस स्टील में A to Z। हाँ जी, हाँ जी, हर एक इसका वेसल, फिल्टर हाउसिंग, पाइपलाइन, मेम्ब्रेन हाउसिंग, एवरीथिंग सब कुछ स्टेनलेस स्टील में है। अच्छा, हाँ जी। तो ये कितने प्रेशर की होगी सर? ये 3 HP का रॉवाटर, ये हाई प्रेशर पंप 3 HP का है और 1.5 HP का रॉवाटर पंप। अच्छा, तो ये कहाँ यूज होते हैं सर? ये अरे कहाँ यूज़ होते हैं ये? यूज़ बेसिकली जो ड्रिंकिंग के लिए, पैकेजिंग ड्रिंकिंग के लिए पानी बेचते हैं। अच्छा, या पैकिंग करके बेचते हैं। अच्छा, वो वहाँ पे ये यूज होता है। अच्छा, जो बॉटल पैकिंग के लिए का यूज होता है। अच्छा, तो वो ये यूज़ करते हैं। वो यूज़ करते हैं। तो सर क्या खर्च पड़ जाता है ये प्लांट लगाने का? देखिए, हम लोग तो B2B करते हैं। अच्छा, तो B2B में तो हमारा होलसेल का एक रेट रहता है। अच्छा, लेकिन उसके बाद जो रिटेलिंग करते हैं वो इसको 3-3.5 लाख रुपए में बेचते हैं। अच्छा, उसका रीज़न है कि उनको इसमें आफ्टर सेल सर्विस देनी होती है, इंस्टॉलेशन करनी होती है, अदर उनके खर्चे होते हैं, उनको ट्रांसपोर्टेशन भी करना होता है, कस्टमर तक ले जाना भी होता है, तो वो अपना जोड़ करके इसको 3.5-4 वो भी उनका जैसे सूटेबल होता है वो बेचते हैं। और ये ट्यूब भी आप बनाते हैं? ये मेम्ब्रेन हाउसिंग है। अच्छा, जो बड़े प्लांट्स में लगती है। अच्छा, जिसमें जैसे हायर कैपेसिटी के प्लांट होते हैं, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट होते हैं, उसमें लगती है। और ये इंडस्ट्रियल यूज के लिए ये मेम्ब्रेन है। अच्छा, हम इसके दिल्ली के एक्सक्लूसिव डीलर हैं ओवे मेम्ब्रेन के। अच्छा, ये हाई TDS के लिए अच्छी क्वालिटी में बढ़िया मेम्ब्रेन है। क्या ये लेयर के अकॉर्डिंग होता है सर? हाँ, इसका माइक्रोन रेटिंग होता है। अच्छा, ठीक है, वो माइक्रोन रेटिंग के हिसाब से ये वो फाइन पार्टिकल्स या जो टोटल डिजोल्व सॉलिड्स होते हैं उसको पानी में से अलग करके कम जो रह जाए बस वही हमारे तक आते हैं, जो हार्मफुल होते हैं वो निकाल देते हैं। ये 1000 LPH RO है, FRP में RO है। अच्छा, और इसमें एक खास बात है कि इसके मल्टीपोर्ट वॉल है वो फुली ऑटोमेटिक है। ये फुली ऑटोमेटिक? हाँ जी, फुली ऑटोमेटिक है। इसमें बैकवॉश करने के लिए, अच्छा, जैसे ये फिल्टर्स में गंदगी भर जाती है तो उनको बैकवॉश मैनुअली करना पड़ता है जनरली। अच्छा, तो इसमें ये सब कुछ ऑटोमेटिक होता है। अच्छा, ऑटोमेटिक होता? हाँ, इसमें सब ये ऑटोमेटिक होता है। आपका जो इसमें जो भी फिल्टर है या कार्बन फिल्टर है ये ऑटोमेटिक बैकवॉश, ऑटोमेटिक ग्रिंस होकर के टाइमिंग सेट के हिसाब से होता है। उसके बाद इसमें ये अपना माइक्रोन फिल्ट्रेशन है और हाई प्रेशर पंप है, मेम्ब्रेन है, बाकी प्रोसीजर वही जो RO प्लांट में होता है। तो सर ये तो रही कि हमने यहाँ पर प्रोडक्ट देख लिया है। हाँ, आप प्रोडक्ट बनाते हो और हाँ, कुछ के आप डीलर्स हो यहाँ। हाँ, हाँ, सर ये सर जैसे कंपनी आप जो बिजनेस करते हो, आपका मॉडल क्या होता है सर? B2B? हमारा B2B बिजनेस है। अच्छा, B2B में हमारे से लेकर के लोग आगे अपना
सेल करते हैं वो इसको एंड कस्टमर तक पहुंचाते हैं, वहाँ पे वो सर्विस देते हैं, उसको इंस्टॉलेशन करते हैं, तो उस चीज़ का वो उनका मार्जिन उसमें रहता है। वो ऑल ओवर इंडिया हमारे डिस्ट्रीब्यूटर और लोग हमारे से लेकर के सेल करते हैं। तो मान लो सर कि अगर कोई आपके कंपनी से जुड़ना चाह रहा है, हाँ जी, तो या डीलरशिप डिस्ट्रीब्यूटर डिस्ट्रीब्यूशन शिप लेना चाह रहा है, हाँ जी, तो क्या क्राइटेरिया क्या होता है सर? देखिए क्राइटेरिया ऐसे कुछ नहीं है, वो हमारे पास आए हम उनको सारा बताएंगे और उनका बैकग्राउंड देखेंगे किस तरीके से वो लोग कर रहे हैं और कैसी कैपेबिलिटी है उनकी, उसी हिसाब से हम लोग उनको सजेस्ट कर देते हैं। मटेरियल हमारे पास हर तरीके का होता है, वो किस तरीके से शुरुआत कर सकते हैं अपने इस बिजनेस से, हमारे से जुड़ सकते हैं, वो हम उनको सजेस्ट करते हैं। अच्छा, हाँ जी। तो वो है कि आपसे कॉन्टैक्ट करें, हाँ, और उसके बाद अपने डिटेल्स प्रोवाइड करें, हाँ, फिर उसके आप काउंसलिंग करके फिर उसको आप, हाँ जी, हाँ, 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 जी, हाँ सर जी। और सर आपसे कैसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं? आप हमारा वेबसाइट है www.silux.in, ठीक है, उसके अलावा हमारा जो ईमेल एड्रेस है silux.ro@gmail.com, और उसके बाद हमारे कॉन्टैक्ट नंबर है वो उनसे हमारे कॉन्टैक्ट नंबर शेयर कर दीजिए सर। हाँ, ये हमारा विजिटिंग कार्ड है, इसमें हमारे सारे कॉन्टैक्ट डिटेल हैं, इसे आप हमारे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट डिटेल, वेबसाइट, हाँ जी, सब कुछ, ईमेल, सब कुछ है, आप यहाँ पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और अगर अगर सर इस इंडस्ट्रीज में कोई आना चाह रहा है, हाँ, कोई अगर पहले से बिजनेस है, तो उसके लिए आपका लास्ट वर्ड क्या होगा सर? सर लास्ट वर्ड ये है कि आप हमारे पास आएंगे, आपको बेस्ट ऑप्शन रहेगा प्राइसिंग, क्वालिटी और पूरा सर्विस और जो भी सपोर्ट चाहिए, टेक्निकल सपोर्ट चाहिए, वो हमारे पास है, वो मिलेगा। तो पूरा आप गेटवे प्रोवाइड करो? हाँ जी, क्योंकि हम लोग 22 साल से इस लाइन में हैं, तो हमारे पास टोटल टेक्निकल नॉलेज है जो इस इंडस्ट्री में रिक्वायर्ड है। अच्छा, चलिए सर, थैंक यू, धन्यवाद सर, थैंक यू।